एनईडी के अंदर इस वक्त हम एआई और आईओटी एग्जीबिशन के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने एक प्रोजेक्ट बनाया, इनका तारुफ भी लेते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हमजा कायम खानी। डिपार्टमेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट। सर मेरा नाम हमजा फारूक है, मैं भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हूँ, फाइनल ईयर में। क्या प्रोजेक्ट है ये? सर ये हमारा प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिक वाटर कंट्रोल सिस्टम, जिसमें ये हम काम कर रहे हैं। बेसिकली जब कभी भी हमारे पास वाटर आता है, बेसिकली एक छोटी सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जो कि नॉर्मल घरों में होती है, कि हमारे जब कभी भी लाइन में पानी आता है तो हम खुद ही उठकर मैन्युअली मोटर को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। तो हम ये सारे सिस्टम को ऑटोमेशन पे लेके जा रहे हैं। इसके लिए क्या करें, हमने ऑटोमेटिक वाटर कंट्रोल सिस्टम बनाया। इसमें जब कभी भी लाइन में पानी आएगा तो ये फ्लो सेंसर वाटर को डिटेक्ट करेगा, ये सिग्नल देगा एक्चुएटर को, एक्चुएटर पंप को ऑन कर देगा। ये पंप को तभी ऑन करेगा जब हमारे पास वाटर टैंक में नीड होगी। अब वाटर टैंक में जो वाटर के लेवल को डिटेक्ट कर रहा है वो अल्ट्रासोनिक सेंसर डिटेक्ट कर रहा है। तो जब हमारे पास टैंक फुल हो जाएगा तो अल्ट्रासोनिक सेंसर सिग्नल देगा एक्चुएटर को अगेन कि टर्न ऑफ द पंप। तो अब यहाँ पर इसकी जो फंक्शनैलिटी कर रहे हैं हम लोग, एयर पर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पानी से करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो होगा जैसे हमने यहाँ पर फ्लो सेंसर में एयर आई तो इसने डिटेक्ट करके एक्चुएटर को सिग्नल दिया और ये हमारे पास पंप ऑन हो गया। ठीक है, अब ये पंप ऑन हुआ है तो यहाँ पर हाथ रख के दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ तक हाइट पहुँच गई वाटर की, अब आप टर्न ऑफ कर दे पंप को तो ऑटोमेटिक पंप टर्न ऑफ हो गया। ये बताइएगा कि अभी मकानात बन चुके हैं, सारा एक निज़ाम में बंदा आ चुका है, तो ये सारा सिस्टम लगाने के लिए क्या ऑल्टरेशन करनी पड़ेगी? क्या दोबारा खुदाई करके फिर उसके अंदर लाइन? बेसिकली फिर खुदाई उदाई नहीं करनी पड़ेगी। इसमें ये कि जो हमारे पास वाटर की जो लाइन लगी हुई है उसके आगे जस्ट ये सेंसर अटैच करना है और ये हमारा छोटा सिस्टम लगेगा, जिसमें हमारे पास क्या है, इसके आर्डिनो है, नोड एमसीयू लगाया हुआ है, एक्चुएटर लगाया हुआ है। ये छोटा सा आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम अलग से लगेगा तो उसको कंट्रोल करेगा। इसमें ना कोई एक्स्ट्रा खर्चा इतना, ना कोई खुदाई, ना कोई घर की लाइनें चेंज करनी पड़ेंगी। जस्ट हमें पंप के आगे छोटा सा सिस्टम लगाना पड़ेगा जो कि उसको कंट्रोल करेगा। तो वो जो इस वक्त कराची के अंदर जो डोंकी पंप इस्तेमाल हो रहा होता है, जो सकिंग पंप है, क्या उसके साथ लगेगा? ये कहाँ पे लगेगा? ये जो घर का नॉर्मल पंप है जो हमें लाइन से हमारी जो टैंकी में पानी शिफ्ट करवा रहा है उससे पहले हम फ्लो सेंसर लगाएंगे। इसका फायदा ये है बेसिकली कि हमें रातों को उठ के या दिन में उठ के उसको बार बार चेक करना नहीं पड़ेगा कि लाइन में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। पानी फ्लो सेंसर में आएगा वो ऑटोमेटिक इसको ऑन कर देगा, ऑन होगा एक सर्टेन हाइट रीच होगी फिर ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। ना तो इसे हमें टेंशन नहीं है कि टैंकी भर गई कि बार बार चेक करते जाओ वाटर बंद करो, या हमें ये भी नहीं कि बार बार चेक करते जाओ कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है। अच्छा, और इसके अंदर जो है वो आईओटी बेस भी आप लोगों ने कुछ बनाया, ऐप वगैरह भी बनाई? जी हाँ, बेसिकली हमने इसमें जो काम करा है वो हमने आर्डिनो आईडी पे काम करा है और फिर हमने इसका एक डैशबोर्ड बनाया जहाँ पे सब चीज़ें हम फ्लो सेंसर हाइट सब चीज़ चेक कर सकते हैं। और इसका एक और एडवांस लेवल है, हम वो कर रहे थे विजनो प्रो पे, उससे कुछ सेटअप हमारे उस पर रन कर गए थे बट एक नहीं करा था, जिसकी वजह से हम फिर उसको क्लाउड भी ले गए। सर इसमें एक एडवांसमेंट ये भी है कि हमने डैशबोर्ड बनाया हुआ है, तो इसमें क्या है कि जब कभी भी जितने लेवल तक पानी पहुंच गया, अभी तो हमें नहीं पता ना, असल में होता ये है कि अगर लेट सपोज मुझे नहीं पता कि मेरी आधी टैंकी भर गई है, फुल टैंकी भर गई है, तो ये हमें इतनी परसेंटेज बताएगा कि इतनी परसेंटेज टैंकी भर गई। और दूसरा ये कि इसके साथ साथ ये भी बताएगा कि जो हमारे पास फ्लो आ रहा है वो कितना फ्लो रेट आ रहा है, इसके साथ ये वैल्यू भी है बताता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।